तो भाइयों हम लोग पढ़ रहे हैं अरत प्रोग्रेशन दो वेराइटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अब वक्त है वेराइटी नंबर थ्री पर आने का तो नेकी और पूछ पूछ देरी किसी बात में नहीं करते बजा दो यार तो वैरायटी नंबर थ्री जो है अरत प्रोग्रेशन की वो कहती है कि सीरीज मेरे पास है तुम सीरीज का सम निकाल के दे दो तो वेराइटी नंबर थ्री स्ट्रेट फॉरवर्ड सम ऑफ एन प्रोग्रेशन तो भाइयों नंबर समोग बोलती है कि सीरीज गिवन होगी तुम्हें निकालना है सम और सम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है एन बाई टू ए प्लस एल एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इसको और इलाबरेट करके अगर हम लोग लिखें तो फॉर्मूला हो जाता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी क्योंकि लास्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी तो अगर मैं लास्ट टर्म को लिख देता हूं माइनस वन डी तो मेरा सम का फॉर्मूला बनता है एन बाई टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो ये बेसिक ट्रेडिशनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ एन एपी सीरीज लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मूला से नहीं चलेंगे हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे डायरेक्टली ऑन दी कैलकुलेटर तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है तो भाई एक सीरीज गिवन है और कहा है कैलकुलेट सम अप समू फिफ्टीन ये सीरीज एपी में है क्योंकि टू के बाद, आता है, फाई 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 के बाद आ रहा है एट एट के बाद आ रहा है इलेवन यानी कि कॉन्स्टेंट नंबर थ्री हर बार एड हो रहा है और क्वेश्चन ने कहा है कि तुम मुझे सीरीज का सम बताओ अप टू टर्म्स तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल फार्मूला से करें तो सम अप टू फिफ्टीन टर्म्स का फॉर्मूला होगा फिफ्टीन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस फोर्टीन डी क्योंकि एन माइनस वन डी है तो फिफ्टीन माइनस वन यानी कि तो ट्रेडिशनल फॉर्मूला एक बार लगाते हैं ए ऑलरेडी गिवन है टू एस एन निकालना है एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी डी ऑलरेडी दे रखा है थ्री तो एस फिफ्टीन का फॉर्मूला हो जाएगा फिफ्टीन बाई टू टू इंटू टू प्लस फिफ्टीन माइनस वन इंटू थ्री तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो फोर्टीन इंटू थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू यानी कि सम अप टू फिफ्टीन टर्म्स आ जाएगा थ्री फोर्टी फाइव तो so सम का थ्री फोर्टी फाइव एस पर ट्रेडिशनल मैथड पर हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करने वाले एग्जाम में हम लोग डायरेक्टली यूज करने वाले हैं कैलकुलेटर अब कैलकुलेटर से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्टेप्स लिखते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर वन टाइप ए स्टेप टू टाइप प्लस डी स्टेप थ्री टाइप इक्वल टू काउंटर पर एक ज्यादा यानी कि एन प्लस वन तक जाना है काउंटर पे अगर सम अप टू पूछ तो मैं काउंटर पे जाऊंगा टिल जो भी पूछ रहे हैं उससे एक बार ज्यादा है काउंटर पे तो वैरायटी नंबर वेराइटी टी सिक्सटीन पूछते थे तो हम लोग काउंटर पे सेवनटीन तक जाते थे इन अ सेम वे जहां तक का सम निकालना है उससे एक ज्यादा काउंटर पे जाना जरूरी है तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर थ्री फिर फाइनली स्टेप नंबर फोर में आपको टाइप करना है जी यानी कि ग्रैंड टोटल तो देखो कैलकुलेटर में एक बटन होता है जी मेरे कैलकुलेटर में तो जी बटन बटन है है अगर आपके कैलकुलेटर में जी बटन नहीं है, तो प्लीज वो कैलकुलेटर को उठा के कूड़ेदान डस्टबिन में डाल दो आज ही क्योंकि वो कैलकुलेटर एग्जाम की दहलीज तक ले जाने लायक नहीं है जी का होना बहुत जरूरी है ऑन टू कैलकुलेटर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कैलकुलेटर में जी नहीं होता है तो प्लीज ध्यान से देखना ग्रैंड टोटल जी ऐसा लिखा होगा ऑन योर कैलकुलेटर तो स्टेप फोर में तुम्हें दबाना है जी फिर स्टेप नंबर फाइव में तुम्हें वापस करना है प्लस ए यानी कि फर्स्ट टर्म वो इसीलिए कि ग्रैंड टोटल फर्स्ट टर्म को ऐड करना भूल जाता है तो मैंने डेंजर बाबा बना दिया और यहां लिख दिया जीटी फर्स्ट टर्म को ऐड नहीं करता देखो इस ट्रिक का लॉजिक क्या है ये इस क्वेश्चन को कराते हुए समझाता हूं सबसे पहले मैं टाइप करूंगा टू फिर मैं टाइप करूंगा प्लस थ्री क्योंकि सेकेंड स्टेप में है टाइप प्लस डी तो टू प्लस थ्री किया मैंने अब मैं इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाऊंगा जब तक काउंटर पर सिक्सटीन ना आ जाए तो अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो मैं टू प्लस थ्री करके इक्वल टू दबाता हूं तो मेरी सीरीज आते जा रही है टू प्लस थ्री इक्वल टू करता हूँ तो फाइव आता है फिर इक्वल टू करता हूँ तो एट आता है फिर इक्वल टू करता हूँ तो इलेवन आता है फिर इक्वल टू करता हूँ तो फोटीन आता है तो मेरी पूरी सीरीज आ रही है ऑन टू द कैलकुलेटर और मुझे सीरीज का ही तो सम करना है पर सम कहाँ तक करने है? सम करने अपीन टर्म्स यानी कि काउंटर पे कहाँ तक जाना है जानेटीन जब मैं काउंटर पे सिक्सटीन तक जाऊंगा तो मेरी पंद्रह की पंद्रह टर्म कैलकुलेटर पर आ चुकी होंगी टू प्लस थ्री इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू काउंटर पर चला गया सिक्सटीन तक और जैसे ही मैं काउंटर पे 16 पहुंचा तो मुझे T15 दिख रही है यानी T15 के पहले वाली सारी टर्म्स कैलकुलेटर पे आ चुकी है तो अब जैसे ही मैं ग्रैंड टोटल का बटन दबाता हूं तो ग्रैंड टोटल क्या करता है जितनी भी टर्म्स कैलकुलेटर पे अभी तक आई हैं वो सारी टर्म्स को ऐड कर देता है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म ए जिसको याद करना जी भूल जाता है तो ग्रैंड टोटल कुछ नहीं करता आपको सीरीज चलानी है जो वेराइटी नंबर वन जैसे ही चल रही है फिर वैरायटी नंबर थ्री में एडिशन ये है कि स्टेप फोर में आपको टाइप करना है जीटी ताकि जितनी भी टर्म्स कैलकुलेटर पे आई सबका सम हो जाए और जीटी फर्स्ट टर्म को ऐड करना भूल जाता है इसलिए स्टेप फाइव में प्लस करना है ए तो स्टेप फोर में जीटी जब मैंने दबाया तो फाइनली मेरे पास आंसर आया थ्री फोर्टी थ्री लेकिन इस थ्री फोर्टी थ्री में ए जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं प्लस कर दूंगा टू तो मेरा आंसर भी आ जाएगा ढंटना थ्री 45. तो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन सीधे कर सकते हो ऑन टू कैलकुलेटर हम ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन आ रहे थे हमारी स्क्रीन पर मैं हो रहा हूं गायब तो क्वेश्चन देखो इफ ईच मंथ रुपीज हंड्रेड इनक्रीजेस इन एनी सम देन फाइंड आउट टोटल सम आफ्टर टेन मंथ इन द सम ऑफ द फर्स्ट मंथ इज टू थाउजेंड मतलब तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसके पास पहले मैंने दो हजार रुपए पड़े हुए हैं और हर महीने तुम सौ रुपए की सेविंग्स कर रहे हो तो बताओ अगले दस महीने बाद तुम्हारी पूरे सारे के सारे महीने इंक्लूडिंग द फर्स्ट टर्म पूरी सीरीज का सम क्या होगा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे टोटल सम की बात कर रहे क्वेश्चन तो चलो सीधे सीधे हम लोग इसको निकाल लेते हैं ऑन टू कैलकुलेटर सबसे पहले मैं टाइप करूंगा ए यानी कि टाइप कर दो टू फिर टाइप कर दो प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज हंड्रेड फिर टाइप कर दो इक्वल टू कब तक इक्वल टू दबाना है जब तक काउंटर पर इलेवन ना आ जाए क्योंकि दस महीने तक लगातार सौ सौ रुपए बढ़ रहे हैं फिर मैं टाइप करूंगा जी और फिर मैं टाइप करने वाला हूँ प्लस ए यानी कि प्लस टू थाउजेंड तो चलो सॉल्व कर दे मैंने टाइप किया ऑन टू द कैलकुलेटर टू थाउजेंड प्लस किया हंड्रेड इक्वल टू इक्वल टू करता गया जब तक काउंटर पर इलेवन नहीं आता फिर मैंने प्रेस किया जी जीटी प्रेस करने के बाद मैंने 2000 और ऐड किया तो फाइनली मेरे पास जो सम आया है वो आया है ट्वेंटी फोर भैया दिस इज़ द फाइनल आंसर और यही मेथड आपको एग्जाम में फॉलो कर रही है अगर किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो टाइप करो फर्स्ट टर्म फिर टाइप करो कॉमन डिफरेंस फिर टाइप करो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जहां तक का सम निकालना है उसे एक बार ज्यादा काउंटर पे फिर टाइप करो जीटी और फिर टाइप कर दो वापस से फर्स्ट टर्म और तुम्हारा सम निकल के आ जाएगा दिस इज द सिंपल वराइटी नंबर थ्री तो मैं वापस आ गया हूँ चैंपियंस वाला चार्ट पे और अब हम लोग बात करने वाले हैं वराइटी नंबर फोर की वैसे वेराइटी नंबर फोर वराइटी नंबर थ्री से ही बनी है क्योंकि वेरायटी नंबर फोर में ऑप्शन दिए होंगे और सारे ऑप्शन में वराइटी थ्री लगानी है जिस भी ऑप्शन से मेरा गिवन सम आ जाएगा वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा डिटेल में इस चीज को समझाता हूं लिखते हैं वैरायटी नंबर फोर तो जो चौथे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आरथमेटिक प्रोग्रेशन में उसमें सीरीज भी गिवन होती है सम भी गिवन होता है और तुमसे पूछते बताओ कितनी टर्म्स का सम जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बराबर आ जाएगा यानी कि इनडायरेक्टली तुम्हें वैरायटी नंबर थ्री को चार बार लगाना है ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी पर जिस भी ऑप्शन से क्वेश्चन में गिवन सम आ जाता है वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अदरवाइज टू नहीं तो कोई और सही तो वैरायटी नंबर फोर कोई नई वैरायटी नहीं है जैसे वैरायटी नंबर टू वैरायटी वन से सॉल्व होती थी वैसे वैरायटी फोर वैरायटी थ्री पे डिपेंडेंट है देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा तो एग्जाम में वो एक सीरीज दे, दे देंगे टू फाइव एट इलेवन फोर्टीन एंड सो ऑन और हो सकता है तुमसे पूछ ले कि बताओ कौन सी टर्म ऑफ सीरीज़ का सम हो जाएगा 392 यानी सीरीज में हम लोग कहां तक जाए जहां पे हमें सम मिल जाए 392 के बराबर और चार ऑप्शन तो काम करो ना जब तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होती है और तुम्हें बोला जाता है कि सम निकालो तो तुम सम निकाल लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर की ट्रिक है विच आईव ऑलरेडी टॉट यू इन वेराइटी नंबर थ्री तो तुम एक काम करो इन चारों के चारों ऑप्शंस में नंबर उठाओ और नंबर से सम निकालो जिस भी ऑप्शन से सम 392 आ गया वो वाला ऑप्शन का रेट हो जाएगा तो चलो कैलकुलेटर ट्रिक को अप्लाई करते हैं इस वैरायटी में ये ट्रिक एक बार नहीं बल्कि लगेगी बार बार तो सबसे पहले टाइप करो टू फिर टाइप कर दो कॉमन डिफरेंस विच इज थ्री तो टाइप किया मैंने प्लस थ्री फिर टाइप कर दो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कब तक जब तक काउंटर पर ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से फिफ्टीन ना आ जाए ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से सिक्सटीन ना आ जाए ऑप्शन नंबर सी के हिसाब सेवनटीन ना आ जाए फिर टाइप करो जी और फिर टाइप कर दो प्लस टू देखते हैं हमारा सम 392 कौन से ऑप्शन से आते हैं तो चलो ट्राई करते हैं विद ऑप्शन नंबर ए मैंने टाइप किया टू प्लस किया थ्री इक्वल टू तो, इक्वल टू तो, इक्वल टू तो दबाऊंगा कब तक काउंटर पे जब तक फिफ्टीन ना आ जाए क्योंकि टर्म दे रखी है फोर्टीन ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से तो काउंटर पे गया 15 तक फिर दबाया प्लस किया 2, तो मेरा आंसर आया यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरी किस्मत में नहीं है कोई और सही चलो ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं तो मैंने टाइप किया टू प्लस किया थ्री इक्वल टू तो, इक्वल टू तो, इक्वल टू तो, काउंटर पर मैं गया टिल सिक्सटीन फिर मैंने प्रेस किया जी टी प्लस किया टू मेरा आंसर आया थ्री फोर्टी फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी मेरी किस्मत में नहीं है तो लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर थ्री सबसे पहले मैंने टाइप किया टू प्लस किया थ्री इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाऊंगा जब तक काउंटर पे नहीं आ जाता तो काउंटर पे मैं गया सेवनटीन तक फिर मैंने प्रेस किया जी टी प्लस कर दिया मैंने टू एंड मेरा आंसर आ गया है थ्री नाइनटी टू के बराबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी ज द करेक्ट आंसर दिस इज वेराइटी नंबर फोर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन द एग्जाम कह रहा हूं कि वेराइटी नंबर फाइव सबसे इंपॉर्टेंट वेरायटी आउट ऑफ दिस क्योंकि अगर वेराइटी नंबर फाइव आ गई तभी जाकर तुम लोग वेराइटी नंबर सिक्स को समझ पाओगे तो वेराइटी नंबर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो तो देखो भाई एपी बनती है एक कांस्टेंट नंबर को लगातार ऐड करने से वो कांस्टेंट नंबर निकल जाता है आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करने से यानी कि मैं बात कर रहा हूं कॉमन डिफरेंस डी की लेकिन अगर उन्होंने कॉन्टिन्यूस सीरीज दी ही नहीं उन्होंने कोई भी दो अल्टी बल्टी टर्म्स उठाकर दे दी एक दे दी उन्होंने T27, एक दे दी उन्होंने T9, और तुमसे पूछ लिया कि बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है सीरीज का तो d निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है टी एम माइनस टी एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन यानी कि अगर दो आस पास आगे पीछे की टर्म ना दी हो तो फिर d निकालने का फॉर्मूला होता है टी एम माइनस टी एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं तो क्वेश्चन में t एट गिवन है वो है ट्वेल्व फोर्थ टर्म है एट के बराबर और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कॉमन डिफरेंस डी क्या है तो डी होता है हमेशा आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म लेकिन यहां पे सिक्वेंशियल टर्म नहीं है क्वान टर्म्स नहीं है नॉन क्वान टर्म्स है जो कि आसपास नहीं है दूर दूर है तो फिर मुझे डी निकालना हो तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टी एम माइनस टी एन यानी कि टी एट माइनस टी फोर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन यानी कि एट माइनस फोर तो मेरा d का वैल्यू आएगा ट्वेल्व माइनस एट डिवाइडेड बाय फोर यानी कि d इक्वल टू वन तो जो सीरीज बन रही होगी वो कुछ ऐसी होगी एट नाइन टेन इलेवन 12 और ये फोर्थ टर्म है तो फिर ये कुछ ऐसा होने वाला है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये मेरी पूरी सीरीज होगी तो अगर नॉन कॉन्जिक टर्म्स है तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है tm माइनस टी एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन एक और क्वेश्चन करते हैं तो देखो तुम्हें दो टर्म्स दे दिए एक टर्म दिया है ट्वेंटी सेवेंथ और एक टर्म दे दिया है ट्वेंटी फर्स्ट और तुमसे बोला है कि एपी सीरीज निकाल के दिखाओ तो एपी सीरीज निकालने के लिए तुम्हें दो चीजों की जरूरत है एक चाहिए तुम्हें फर्स्ट टर्म सीरीज कहां से शुरू हुई और एक चाहिए कौन सा कांस्टेंट नंबर फर्स्ट टर्म में बार बार ऐड हुआ है यानी कि कॉमन डिफरेंस डी तो डी निकालने का फॉर्मूला तो बहुत इजी है अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो तो डी निकलता है टी एम माइनस टी यानी कि टी ट्वेंटी सेवन माइनस टी ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन तो वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ फोर्टी एट डिवाइडेड बाई सिक्स यानी कि एट बाई विच फोर बाई थ्री तो भाइयों मेरा डी आ गया है फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री यानी कि वन पॉइंट थ्री 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 ये मेरे डी की वैल्यू आ चुकी है मुझे चाहिए अब ए तो याद करो टी ट्वेंटी सेवन का फॉर्मूला होता था ए प्लस ट्वेंटी सिक्स डी क्योंकि टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी तो टी ट्वेंटी सेवन मेरा हो गया ए प्लस ट्वेंटी सिक्स डी ऑलरेडी गिवन है थर्टी फोर पॉइंट सिक्स सिक्स और अगर मैं फोर्टी एट में से थर्टी फोर पॉइंट को माइनस कर देता हूं तो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री तो जो मेरी सीरीज बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी थर्टीन पॉइंट थ्री 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 प्लस वन पॉइंट थ्री 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 इक्वल टू सेकेंड टर्म आ जाएगी फोर्टीन पॉइंट फिर उसके आगे टर्म आएगी सिक्सटीन फिर आगे टर्म आएगी 17.33 पॉइंट थ्री थ्री फिर नेक्स्ट टर्म आएगी एटीन पॉइंट सिक्स सिक्स एंड सो ऑन तो संपूर्ण चर्चा का सार ये है कि अगर दो टर्म मिल जाए तो मैं सीरीज निकाल सकता हूं चाहे वो दो टर्म आसपास की हो या फिर दूर दूर की फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर दूर दूर की भी टर्म्स है तो मैं डी निकाल लूंगा डी का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड और अगर आसपास की टर्म है तो डी निकालना बहुत आसान है आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म और एक बार डी निकाल लिया तो टर्म का फॉर्मूला यूज करके मैं बैलेंसिंग फिगर में ए निकाल सकता हूं और ए आ गया तो तुम्हारे पास ए पी सीरीज आ गई तो दिस इज सिंपल वेराइटी नंबर सिक्स तो मैं वापस आ गया हूं चैंपियंस वाला चार्ट पे और अब हम लोग बात करने वाले हैं वैरायटी नंबर सिक्स की वैरायटी नंबर सिक्स बोलती है कि अगर तुम दो नंबर्स के बीच में अरेत मीन डाल देते हो तो वो अरेत प्रोग्रेशन बन जाता है

जिससे एट और सिक्सटीन के साथ साथ वो पांच अरिथमाटिक मीन अरित प्रोग्रेशन बना दे तो देखो तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एट और सिक्सटीन के बीच में पांच अरित मीन को इंसर्ट करो और बताओ कि कौन से पांच अरितटिक मीन है जो कि एट और सिक्सटीन के बीच में डाले जाए तो अरिथमाटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा तो अगर मैं इसको एज अ सीरीज लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं एट फिर ए एम वन फिर ए एम टू फिर ए एम थ्री फिर ए एम फोर और फिर ए एम फाइव और फिर लास्ट में सिक्सटीन तो ऐसे पांच अरिथमेटिक मीन मैंने इंसर्ट कर दिए बिटवीन एट एंड सिक्सटीन अब ध्यान से मेरी बात सुनना एट हो गई मेरी फर्स्ट टर्म ये हुआ टी टू ये टी थ्री ये टी फोर ये टी फाइव और ये टी सिक्स और ये टी सेवन तो जैसे ही मैंने अरेथमेटिक मीन इंसर्ट किए बिटवीन एट एंड सिक्सटीन मुझे पता चला कि एट मेरी फर्स्ट टर्म है और सिक्सटीन मेरी सेवेंथ टर्म है क्योंकि इन दो के अलावा पांच नंबर बीच में भी है अगर मुझे फर्स्ट टर्म और सेवेंड टर्म पता है तो मैं डी निकाल सकता हूं डी का फॉर्मूला होगा टी सेवन माइनस टी वन डिवाइडेड बाई सेवन माइनस वन यानी कि सिक्सटीन माइनस एट डिवाइडेड बाई सिक्स यानी कि एट बाय सिक्स अगेन आंसर विल बी फोर बाई थ्री तो d की वैल्यू आ गई वन पॉइंट थ्री 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 अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मेरा फर्स्ट अरेथमैटिक मीन होता है ए एम वन वो टी टू होता है यानी कि उसका फॉर्मूला होगा ए प्लस डी जो मेरा ए एम टू होता है वो टी थ्री होता है यानी इसका फार्मूला होगा ए प्लस टू डी जो मेरा ए एम थ्री होता है वो होता है टी फोर यानी इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस थ्री डी तो समझ रहे हो ना आप ॉजी समझिए ए एम वन एम टू एम थ्री के बाद अगर मैं ए एम एन लिखूंगा तो एम एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन डी यानी अरिथमेटिक मीन में जितना अरिथमेटिक मीन निकालना है उतनी बार ही डी का मल्टीप्लाई करना है एन से और प्लस कर देना है ए तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन डी सिंपल दैट तो अगर मुझे ए एम वन निकालना है तो ए एम वन हो जाएगा ए प्लस डी यानी कि एट प्लस वन पॉइंट थ्री 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 यानी कि नाइन पॉइंट थ्री थ्री ए एम टू मेरा हो जाएगा ए प्लस टू डी तो तुम लोग एक काम करो ना सीरीज ही बना दो सीधे सीधे ऐसे एक एक करके निकालने की जरूरत है ही नहीं फर्स्ट टर्म लिखो एट एट में प्लस करो वन पॉइंट थ्री 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 इक्वल टू दबाओ तो तुम्हारे पास नेक्स्ट आएगा नाइन पॉइंट फिर इक्वल टू दबाओगे तो नेक्स्ट आएगा टेन पॉइंट फिर इक्वल टू दबाओगे तो आएगा ट्वेल्व फिर इक्वल टू दबाओगे तो आएगा फिर इक्वल टू दबाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा सिक्सटीन तो बीच के पांच अरिथमेटिक मीन मिल गए ये पहला वाला है ए एम वन फिर ए एम टू फिर ए एम थ्री ए एम फोर ए एम फाइव ऐसे पांचों के पांचों अरेथमैटिक मीन मिल गए बिटवीन एट एंड सिक्सटीन तो ये एक अरथमेटिक प्रोग्रेशन है तो एग्जाम में दो नंबर्स गिवन होंगे और बोला जाएगा कि बताओ अरेथमैटिक मीन कैसे इंसर्ट करें अरेथमैटिक मीन की वैल्यूज क्या है तो आओ सीधे चलते हैं एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने मैं तब तक के लिए हो रहा हूं गायब तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है ये बोल रहे हैं दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो बिटवीन 68 एंड 260 तो मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो है 68 और बीच में आ जाएगा ए एम वन और एम टू कि मेरा T4 होने वाला है 260 मेरा फर्स्ट टर्म 68 है और फोर्थ टर्म 260 होने वाला है क्योंकि इसके बीच में मैं दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूँ तो अगर मुझे टी और टी की वैल्यू पता है तो मैं डी निकाल सकता हूँ डी विल बी टी फोर माइनस टी वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस वन यानी टू डिवाइडेड बाई थ्री तो 260 वन थर्टी टू आएगा फिर इक्वल टू 196 और फिर इक्वल टू तो आंसर आ जाएगा 260 सिक्सटी यानी कि 132 और 196 मेरे दो अरेटिक मीनस हैं बिटवीन 68 एट एंड 260. एक और क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन तो पूरी एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो देखो क्वेश्चन बोलता है देर आर एन अरेटिक मीन बिटवीन सेवन एंड सेवेंटी वन एंड फिफ्थ अरेथमैटिक मीन इज ट्वेंटी सेवन देन एन इज तो अच्छा सवाल है इसने बोल दिया फिफ्थ अरेथमैटिक मीन ट्वेंटी सेवन है तो यहां पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि फिफ्थ अरिथमेटिक मीन, बोले। मीन यानि कि ए और ए किसके बराबर होता है ए प्लस फाइव डी जो कि टी सिक्स का फॉर्मूला है तो एम फाइव बराबर होता है टी सिक्स के, तो के तो तुम्हें इनडायरेक्टली टी सिक्स दे रखा है ट्वेंटी सेवन और तुम्हें टी वन ऑलरेडी पता है सेवन बिकॉज सेवन और सेवेंटी वन के बीच में अगर तुम लोग अरिथमेटिक मीन डाल रहे हो तो फर्स्ट टर्म तो सेवन ही रहने वाले तो फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है और सिक्स टर्म तुम्हें पता है जल्दी से डी निकाल लो तो डी कितना हो जाएगा टी सिक्स माइनस टी वन डिवाइडेड बाई स ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन डिवाइडेड बाई फाइव तो डी आ गया मेरा फोर अब डी मेरे पास है फर्स्ट टर्म मेरे पास है तो चलो सीरीज बना देवन प्लस फोर इक्वल टू इलेवन आया फिर इक्वल टू फिफ्टीन आया फिर इक्वल टू नाइनटीन आया फिर इक्वल टू ट्वेंटी थ्री आया फिर इक्वल टू ट्वेंटी सेवन आया फिर इक्वल टू थर्टी वन फिर इक्वल टू थर्टी फाइव फिर इक्वल टू थर्टी नाइन फिर इक्वल टू फोर्टी थ्री फिर फोर्टी सेवन फिर फिफ्टी वन फिर फिफ्टी फाइव फिर फिफ्टी नाइन फिर सिक्सटी थ्री फिर सिक्सटी सेवन फिर आ जाएगा सेवेंटी वन तो भाइयों ये सेवन और सेवेंटी वन इसके बीच में जितने भी नंबर्स आए हैं वो सब इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है यानी टोटल एन की वैल्यू क्या हुई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यानी एन इक्वल टू आ जाएगा फिफ्टीन सेवन और सेवेंटी वन के बीच में पंद्रह अरिथमेटिक मीन्स डाले हैं जिसमें से हमारा फिफ्थ अरे ट्वेंटी सेवन ही है और चेक करो ये ट्वेंटी सेवनटीन जिसमें से, जिस से पंद्रह है अरिथमेटिक मीन तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो तो डी कैसे निकलेगा ये देखा कि सम ऑफ द सीरीज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और वेराइटी नंबर फोर में ये पता किया कि अगर सम ऑलरेडी गिवन है तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकल के आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। एपी बस अब इतू सा बचा है पर इसको छोड़ देते हैं टिल द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड यू स्माइलिंग